आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज वेज, जिसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें नूडल्स, और इन नूडल्स को हमें बॉईल करना है। इसके लिए हम सबसे पहले पानी बॉईल कर लेते हैं। जब पानी में एक उबाल आ जाएगा तब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे, और बस अच्छे से मिलाकर बस 2 मिनट के लिए रख के बस तुरंत इसको पानी निकाल देंगे और ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। हमारे पानी में बॉयल आने लग गया है, हम इसमें 1 चुटकी नमक डाल देंगे और 1 चम्मच तेल डाल देंगे ताकि नूडल्स खिले खिले बने। इसे मिला देंगे और अब इसमें नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स को अच्छे से मिला देंगे, नूडल्स को अच्छी तरह से मिला देंगे, बस हल्का सा बॉईल आ जाए इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए हमारे नूडल्स हल्के से बॉईल हो गए हैं और ये देखिए हल्के से टूटने लगे हैं। अब इसका हम पानी निकाल देंगे। तो हम पानी निकाल देते हैं, ये देखिए इसका पानी निकाल दिया है हमने। अब इसको अच्छे से हाथ से धो लेना है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। इसका स्टार्च हमें निकालना है ताकि एक एक दाने खुले और ठंडे हो जाए। ये हमने वॉश कर लिए, अब इसका हम पानी निकाल लेते हैं। इसका पानी निकाल लेते हैं अच्छे से। अब हमने एक थाली या प्लेट आप कुछ भी ले लीजिए, इसका पानी हम अच्छे से निकाल देंगे और इसको ऐसे फैला देंगे ताकि इसका हल्का सा पानी सूख जाए। हमें बस ज्यादा नहीं उबालनी है, देखिए ऐसे ही उबालनी ताकि हल्की सी टूटने लगे। इसको हाथ थोड़ा सा सुखा लेंगे। इस तरह से हमने सारी नूडल्स निकाल लिए, इसको हल्का सा सुखा लेते हैं। ये हमारे नूडल्स देखिए हल्के से ठंडे हो गए हैं। अभी नहीं हम लेते बर्तन में डाल देते हैं और इधर हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हमें कॉर्नफ्लोर लगाना है, हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और हल्के हाथों से अच्छे से पूरे में मिला देंगे। देखिए खुल जाना चाहिए, नहीं खुलने से क्या होगा, फ्राई करते हुए सब चिपक जाएंगे। ये देखिए हमारे देखिए कितने अच्छे से सूख गए हैं और एकदम। और आपको इसको ज्यादा बॉईल नहीं करना, ज्यादा बॉईल कर लेंगे तो वो फिर खाने में अच्छे लगेगा और क्रिस्पी नहीं होंगे। देखिए हल्के से ऐसे टूटना चाहिए। ये देखिए हमारे एक नूडल्स खुल गए, कॉर्नफ्लोर हमने लगा दिया। आपको कम ज्यादा लगे तो कॉर्नफ्लोर आप लगा सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया, मैं एक डाल के देख लेते हैं। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम थोड़े थोड़े करके नूडल्स डाल के फ्राई कर लेंगे। थोड़े थोड़े से डालेंगे ताकि चिपके नहीं। अब एक हम थाली या बर्तन ले लेते हैं, ये देखिए हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे, एक एक खुल रहे हैं, इसे हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। अच्छे से एकदम कुरकुरे फ्राई करने, एकदम क्रिस्पी होने चाहिए ताकि भेल बहुत अच्छी बने। हमें थोड़ा सा और फ्राई करना है इसको।
ये हम फ्राई कर लिए, एक बैच हमारा फ्राई हो गया। इसी तरह से हम सारे नूडल्स को फ्राई करके निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से मसाला भी डाल दिया हमें फ्राई करने के लिए। ये हमारा ये भी फ्राई हो गया है, थोड़ा सा और हो जाए, हल्के से लाल होने लग जाए, ज्यादा लाल नहीं करने हमें, हल्के से लाल हो जाए, कच्चे भी नहीं रहने चाहिए। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। हमने सारे नूडल्स फ्राई कर लिए हैं। हाथों से हल्का हल्का ब्रश कर लेंगे। ये देखिए कितने बच्चे बने हैं। ये देखिए हमारे बच्चों ने ब्रश कर लिए। अब हम चाइनीज भेल बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। अब हम चाइनीज भेल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये नूडल्स जो हमने फ्राई किए थे, और इसके लिए हमें जो जो सब्जियां ली है वो है प्याज, कैप्सिकम, गाजर, खीरा और टमाटर, और चाहिए हमें शेजवान सॉस, लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो अब हम चाइनीज भेल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम बॉल में डालेंगे टमाटर, आप कम ज्यादा अपनी पसंद से कर सकते हैं, आपको जितनी अच्छी लगती है सब्जी आप उतनी डाल सकते हैं। इसमें जाएगी गाजर, कैप्सिकम और प्याज। ये सारी सब्जी हमने डाल ली है, और इसमें आप अपनी मन पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने पसंद से कम ज्यादा कर सकते हैं, आप झाल ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा कर सकते हैं, तीखा ज्यादा खाते हैं तो, और अगर कम खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार जाएगा। और अब इसमें हम डालेंगे शेजवान सॉस। शेजवान सॉस आप देख के लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही तीखी होती है। मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ। एक बार 2 चम्मच डाल के देख लेती हूँ, अगर कम ज्यादा होगा तो हम वापस और मिला देंगे। मुझे थोड़ी सी सॉस कम लग रही है, मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ। करीब मैं 1 चम्मच के करीब और डाल दिया है मैंने। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे। ये आप उसी समय बनाएं जब आपको सर्व करना हो, नहीं तो क्या है नूडल्स छिल जाते हैं तो फिर वो खाने में मजा नहीं आता। नूडल्स क्रिस्पी क्रिस्पी रहे तभी अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें नूडल्स को मिला देंगे। देखिए हमारे नूडल्स कितने क्रिस्पी है। अब इसमें ऐसे थोड़ा सा हाथ से हम क्रश करके, अब हम नूडल्स को ऐसे थोड़ा सा क्रश करके अब इसमें मिला देंगे।
अब इसे अच्छे से आप मिला लीजिए। ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है ये चाइनीज में। ये देखिए हमने अच्छे से मिला लिया, अब हम इसे सर्व करते हैं। लीजिए हमने चाइनीज बेल को सर्व कर दिया, ये देखिए हमारी चाइनीज बन बेल बनके तैयार है।